हुआ क्या अंकल? पहले अस्थमा का अटैक हुआ, फिर हार्ट फेल हुआ। ओ बेटी के दुख का कोई भी नाम रख लो, हार्ट अटैक, दमा, दिमाग की बीमारी। अंकल मैं शबाना को पापा का चेहरा दिखाना चाहता हूँ। रहमत खा, जो अल्लाह की रहमत से दूर ही ना। एकदम बता दिया मुझे। चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी ने कहा है कि कोई जरूरी काम है, मुझे नहीं पता। जरूरी काम है? बेटा मुल्क से बाहर है, बहू को पता नहीं, मुझे पता नहीं, मर जाने का मुकाम है। आंटी प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरे बाबा की डेथ हो गई है, वो ख्वाजा साहब के भी दोस्त है, हम उन्हें सुपुर्द खाक करने जा रहे हैं। तो तेरे बाप से इसका क्या तलक? वो इसके भी डैडी थे, बहन है ये मेरी। तो जो तू तो उस दिन जो तेरे साथ आया था, अच्छा चले गए और हम तैयार बैठे। और जिस तरह रेलगाड़ी से मुसाफिर उतरने के लिए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आते हैं, उसी तरह हम भी दरवाजे के आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रहे हैं। को बहुत हुए, हाँ खासा रहमत तो चला ही गया यार। वैसे चला तो कई साल पहले गया था, पर यार ये मर जाना तो सोए और मोए में यही फर्क होता है। सोया हुआ उठ जाता है पर मोया हुआ, किस्मत मार खा गई उसकी, वरना बंदा तो अच्छा था। खाजा वो खाजा यार मौका तो नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि तुमसे इजाजत लेकर तुम्हारे दामाद को हल्का सा सबक सिखा दो। हल्का सा ना यार, दामाद है मेरा, और इसलिए तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं, वरना रहमत भी अब मर चुका है। और तुम्हारा दामाद समझता था, बल्कि समझता है कि जब मुझे पता चलेगा ना कि रहमत खान की बेटी तेरी बहू बन रही है, तो हमारी रिश्तेदारी नहीं हो सकेगी। और ये सब हो भी गया, और अब तुम्हारे दामाद को सबक सिखाना बाकी है खाजा, कि दुनिया में सिर्फ वही अकलमंद पैदा नहीं हुआ। यार तुम करना क्या चाहते हो? हाँ जी, आप यार ये तो बताओ, तुम शकील के साथ करना क्या चाहते हो?
खाजा, स्कूल में उस्ताद और करने वाले हैं, बच्चे को जब किसी बुरी बात से मना करते हैं ना, उन्हें थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। पर तुम फिक्र नहीं करो खाजा यार, तुम्हें कोई शिकायत नहीं आएगी। ये ख्याल कर लेना मनाज की गोद में मेरी नवासी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मंजूर है। और चाची गुलाबी का फूल आया भाई, बहुत अच्छे। हेलो, तुम्हें किसने बताया? हेलो, फैक्ट्री ने? बहुत अच्छे, पागल ही गर्म हो गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में टेलीफोन करता हूँ, बंद तो करो ना। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे भाई, यानी बच्चा छत पे गुड्डी उड़ा रहा था और पुलिस पकड़ने आ गई। और बच्चे को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई, उसको 150 की गुड्डियां दे देती तो जान छूट जाती। अब थाने का मामला कोई, अच्छा खैर परेशान ना हो, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं मैं, गूंगा या बहरा तो नहीं हूं। देखे ना, मैं सोच रही हूं, मैं बुरी हो गई हूँ, वक्त बदल गया है या जमाना बदल गया, तीनों बातें भी हो सकती हैं जी। उठवास ना कर, मैं अगर कह भी दूं तो तूने नहीं मानना। वैसे बीबी जी, अब हुआ क्या है? होना क्या है, देखना, सना ने फर्नीचर बदल दिए, पर्दे बदल दिए, फर्श बदल दिए, अब मेरी तरफ हमला देखो कब होता है। अच्छा, तो आप पता के लिए तैयार बैठी हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि सना ने अपनी बातों से ख्वाजा साहब और इजाज को अपने काबू में कर लिया है। और देखना, मैं अपनी हुकूमत बचाते बचाते घर को तो बात नहीं ना कर सकती। वैसे बीबी जी, ख्वाजा साहब ज्यादा खुश नहीं लगते, वो तो खाना भी घर में नहीं खाते। तुझे नहीं पता, खाना वो खुद बाजार से खाते हैं और मेरे लिए ले आते हैं, और सना हमें डेटिंग करा रही है। अच्छा, तभी मैं हैरान थी इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली गई। मैं अभी अंकल से बात करती हूँ। और ये कुछ छुप छुप कर बातें सुनना को अच्छी बात तो नहीं है, और ये छुप छुप कर अनहेल्दी खाना खाना अच्छी बात है? सना बीबी सच कह रही है जी। चुप कर है, तू तो थाली की, थाली का बैंगन होता है की नहीं होता। प्लीज आंटी, मान लीजिए ना मेरी बात, मैं आपकी भलाई की तो बात कर रही हूँ, बदले ना अपनी आदतें और अंकल को भी राजी कर ले। ये तो तू ही है, इतने सूखे हुए लाके साथ फिरती है, इंसान को जरा पारा गोरा होना चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन लेकिन आप ही बताइए, इतने वजन के साथ आप जल्दी थक जाती हैं ना, और साथ साथ इतनी सारी बीमारियों का खतरा। अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? हाय मेरा इजाज, उसका तो मुंह इतना सा निकल आया, उसको तो मेरे सामने भी खाने की इजाजत नहीं है। देखिए आजी, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी को मैंने फोर्स नहीं किया। और हाँ, कल अपने कमरे का जरा फर्नीचर बाहर निकाल दीजिएगा। हाय, अब मेरी बारी भी आ गई है, मैं नहीं निकालने दूंगी अपना फर्नीचर। आंटी, पुराना फर्नीचर जाएगा नहीं तो नया फर्नीचर कैसे आएगा? अच्छा हाँ, इसको यूं देख लीजिए, कमरा हो या दिमाग हो, पुरानी चीजें और पुराने ख्याल, पुरानी सोच जब तक जाएगी नहीं तो नए ख्याल और नई चीजें कैसे आएंगी, है ना? कमरा और दिमाग दोनों तजुर्बे में एक साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, खुश मिलाक। और आंटी, खुश रहा करें। क्या नाम है उसका? शिवाना बीबी। वो तो अपने भाई के मिलने की खुशी में अपने घर जाके बैठ गई है, हैं? वो आता है ना ख्वाजा मुमताज, तो मैं उसका तो बंदोबस्त करवाती हूँ। इजाज़ ख्वाजा साहब तो यही है, मुमताज ख्वाजा साहब के आने से पहले सना बीबी का कुछ इंतजाम कर ले ना। तू ये बता, तू मेरी तरफ है या सना की तरफ? बैंगन को थाली में रख देना तो वो जरूर जगह बदलेगा जब थाली हिलेगी। बदबخت, तुझे पता ना मैं तुझे निकाल नहीं सकती, है ना? ये ले, फर मार। बीबी जी, ऐसी मौत मुझे रोज नहीं आ सकती। मैं समझ गया हूं। अच्छा, खुदा हाफिज, बाय। भाई कौन आ रहा है? वो मेरी मंगेतर आ रही है लंदन से, शाजे। अच्छा, वो जिसके साथ तस्वीरें हैं आपकी,
पाकिस्तानी है, यहीं से गई हुई है। बाबा की मर्ग पे आ रही है। मैंने मना किया था, बहुत लंबा सफर है और फिर जाने वाले तो जाने का वक्त बताए बगैर ही चले जाते हैं। तो क्या यहाँ ठहरेंगी? नहीं, उसका अपना घर है यहाँ। चले, वैसे तो मैं भी कल तक यहीं हूँ। वो कल यहीं आ जाएगी, तुम मिल लेना उससे। जी। अंकल आप आइए ना प्लीज, बैठिए। बेहतर है बरखुरदार तुम खड़े हो जाओ। तुम्हें यहां से निकलने में आसानी रहेगी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? भला मुझे मेरी फैक्ट्री से कौन निकाल सकता है? जिसकी फैक्ट्री है ना, वो निकाल सकता है। शायद आप बोल रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री मेरे नाम कर चुकी है। पुत्र है, ये फैक्ट्री कभी भी मेरे नाम नहीं थी। इसलिए मेरी कुकी मारने से, वो क्या कहते हैं उसको, सिग्नेचर से, ये किसी के नाम नहीं हो सकती। ये फैक्ट्री शुरू से मेरी दी सना के नाम है। कागजात चेक कर लेना। कभी कभी बैंक लोन देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और वो तुम्हारा शबाज फैन वाला बोर्ड है ना, वो उतरवा दिया मैंने फैक्ट्री से। हाँ, जाते जाते उसे भी साथ ले जाना, कभी ना कभी नोट पड़ जाती है उसकी। हम मन पर लोग इतने बेवकूफ नहीं होते जितना तुम हमें समझते हो। ये फैक्ट्री मैंने तुमसे डर के या तुमसे ब्लैकमेल होकर तुम्हारे नाम नहीं की, अरे खाजे न्याज के मशवरे से तुम्हारे नाम की है। और तुमने इस फैक्ट्री को बेचना शुरू कर दिया। वाह, तुम अपने सौरे के मुकाबले में पक्खों की इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, है ना? देखो, सुनो बेटा, बना के रखते हैं हम बड़ों से, वरना मामले कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। गड्डी तो है ना तेरे पास? और मेरे पैसों की तुम्हें गिफ्ट की, ले जाओ, तुम्हें घर तक पहुंचाने में आसानी होगी। या जहां भी तुम जाना चाहो, मौज है तुम्हारी। अंकल, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरी यादाश्त बहुत तेज है, खास तौर पर मैं अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। पुत्र, वक्त के साथ साथ इंसान को बहुत कुछ भूलना पड़ता है। कौन है जो है? मैं तो अब तक ये नहीं समझ सकी कि तुम्हारी बीवी अपने घर में क्या करती है। अम्मी काम शाम करती होगी और क्या। काम शाम पे तो मुझे तराज नहीं है। तुम घर की हालत देख रहे हो, ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहीं से मकान बदल के आए हैं। अब कुछ सामान आ गया और कुछ सामान आने वाला है। देखिए अम्मी, वो थोड़ी सी अपने माइंड की है और अपने माइंड के मुताबिक सब चीजों को डेकोरेट करती है। हाय बेटा, ये घर मेरा है, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझसे पूछने में उसकी बेइज्जती होती है तो कम अज कम तुमसे ही पूछ ले। अम्मी वो सारे काम उसे पूछ के करती है। हाय बेटा, तुम भी अपनी बीवी के साथ हो। बेटा, हम तो जाने वालों में से हैं,
तुम और तुम्हारी बीवी आने वालों में से हो। देख बेटा, जाने वालों को दुख मत दो। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपको नहीं पता कि आपकी हमारे लिए क्या अहमियत है। आप हमारे लिए हमारे सरों पर ठंडी छांव हैं। आपके पांव घर में जन्नत है। हाँ बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम तो मेरे लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन वो जिसे मैं इतने चाव से ब्याह के लाई हूँ, वो मेरी उस्तानी बन बैठी है। अब इस उम्र में मैं उसके स्कूल में दाखिल हो जाऊं। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कभी भी अपने आप को आपसे बेहतर नहीं समझा। हाँ बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर सना के शोहर बन के सोचो ना, तो ऐसी बात ना करो तुम। बिल्कुल नहीं, किसी के शोहर बन जाने से बेटे की हैसियत बदल तो नहीं जाती। तू क्या थमकते पीड़ रही है? बेगम साहबा घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। बीबी जी, मैं तो पहले भी दो बार आई हूँ जी, आप मसरूफ ही बड़ी थी। मसरूफ बड़ी थी तो जा खाना ले क्या कुछ मेरे बेटे के लिए। खाने के लिए तो सिर्फ वही मिल सकता है जो बड़े साहब जी को मिलता है। तो जो मेरे फ्रिज में रखा है वो ले आओ। सब फ्रिजों को ताले लग चुके हैं, सिर्फ छोटा फ्रिज खुला है, उसमें खाने के लिए सफेद अंडे, पानी, ब्राउन ब्रेड और दही, ये सब कुछ चाहिए तो लाऊं? है नहीं, ये तो सुन के सब कुछ हौल आता है दिल को। हाय बेटा, तू यही सब कुछ खाता है? अरे पुत्र, अपनी बीवी के खौफ से निकल, और यही उम्र है खाने पीने की और पहनने की, बाद में क्या रह जाना है। ओ पुत्र, वो सना तो अपने लाख को पतला करने में लगी रहती है। सना बीवी आ गई। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें कुछ देर नहीं होगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, लेकिन आई हैव अ वेरी वेरी नाइस एंड अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर आंटी। प्लेजेंट सरप्राइज मतलब खुशगवार। मैं सुबह से पहले बहुत हैरान हूँ, मुझे मजीद हैरान करने की कोई जरूरत नहीं। आप जरा इधर तो देखिए, ये बलीमे वाला है ना तुम्हारा? हाँ वही है, लेकिन देखिए ना, जो जो कपड़े मैंने आपकी ईद के लिए बनवाए हैं ना, उनके साथ बिल्कुल मैच होता है। मैं उतना नहीं पहनती। मेरा ख्याल है कि तुम गलती कर रहे हो। नहीं मां, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। उस शख्स ने मुझसे 30 लाख रुपए लिया और मुझे धोखा दे दिया। मैं उस दिन से चल रहा गुड़ रहा हूं। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मगर ये गलत है। तुम्हारी साबुन फैक्ट्री भी गई, दूसरी फैक्ट्री भी उन्होंने वापस ले ली, और अब तुम बीवी और बच्चे को भी गंवाना चाहते हो। मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों मेरे लिए मजबूरी का नाम है। मैं अभी तक नहीं जानता कि ये मेहनास कौन है, और बच्चे मेरे दिल में उसके लिए बाप का जज्बा पैदा ही नहीं होता। न जाने क्यों वो दोनों अभी तक मेरे लिए अजनबी हैं। सबर कर ले, थोड़ा सा सबर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले। और मेरे अंदर जो खून खौल रहा है उसका क्या करूं? आप जानती, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, और वैसे मैं करोड़पति सुसर का दामाद हूं। नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति सुसर का दामाद हूं। हां, मैं तो अरबपति सुसर का दामाद हूं, और मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है। तुम्हें कई बार समझाया है कि ठंडा करके खाते हैं, वरना उंगलियां तो जलती हैं, जुबान और मुंह भी जल जाते हैं। नहीं मां, मैं अब और सबर नहीं कर सकता, वरना मेरी दिमाग की रगें फट जाएंगी।
मैं मनाज को उसके घर भेज देती हूँ। तू जरा सोच ले, आराम कर ले। मनाज को तो किसी वक्त भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आपका जो जी मैं आए आप कीजिए। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मुमताज। क्या हाल है? बस मैं ठीक हूँ, और भी सब ठीक हैं घर वाले? वो मुमताज, मैंने आपसे कोई बात करनी थी। हाँ हाँ, बात करो। चलें, जब आप आ जाएंगे तो फिर बात करूँगी। अच्छा अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, देता हूँ तुम्हारे लिए। आप जानते हैं मुझे फरमाइशों की आदत नहीं है। हाँ पता है बाबा। अच्छा चलो ठीक है फिर, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, बाय बाय, खुदा हाफिज। हमारे जमाने में परिवार का पहला बच्चा मैके में होता था, अब तो अस्पताल आ गए। मेरा ख्याल है तुम, मैं जा रही हूँ, और जब तक आप चाहें मैं वहीं रहूंगी। तो क्या तुमने शकील की बातें सुन ली? उसे तो बात करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं समझ गई थी। कुदरत ने जब इंसान को बोलना नहीं सिखाया था तो वो तब भी बातें करता था आंखों से। मैं आपकी बात नहीं समझ गई, ये बात जो आपने अभी कही है। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। आंखें सिर्फ सच बोलती हैं, और आपने भी सच कहा है। मैं जा रही हूं। जिस तरह हम कमरे में मच्छर भगाने के लिए मैट लगाते हैं, उसका धुआं फैलता है, हम मच्छर से महफूज हो जाते हैं, उसी तरह उस घर में नफरत का मैट चलता है हमें, और उसके धुएं में मोहब्बत, सुकून और अपना ये सांस नहीं ले सकते। मैंने अपने आप को नहीं बचाया, शायद सारी उम्र बचा भी ना पाती। अगर अपनी बच्ची के लिए जो नफरत भरी फिजा से बाहर निकलना था, उसका तो हम ही खुद जाता। पुत्र मनाज, हमें माफ कर दे पुत्र, तुमने अभी दुनिया में देखा ही क्या है, बस हमसे गलती हो गई, हमने जल्दी की, माफ कर दे पुत्र। अम्मी मुझे शर्मिंदा ना करें, आपने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, लेकिन बच्चों की तकदीर को सुनहरा या रुपीला करना वालदैन के बस में नहीं होता। मैं तेरी वीरान आंखें नहीं देख सकती, मैं तुझे हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। तू इस घर में वापस आ जा, उसी तरह जैसे गई थी यहां से।